हेलो पीपल, वेलकम हो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन जो होता है कि कौन सा कोर्स अच्छा है और कौन सा कोर्स अच्छा नहीं है, ये क्वेश्चन आई गेस दिन में मेरे को 2-3 बार तो सुनने को मिल ही जाता है। कोई मेरे को यूट्यूब पे कमेंट्स में पूछता है, कोई टेलीग्राम पे पूछता है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुकी कि मैंने कौन सा कोर्स परचेज किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन पे लगा दूंगी, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। और मैंने जो कोर्स लिया है वो है अनुज जिंदल सर का कोर्स, और उसका मैं रिव्यू दे चुकी हूँ। बट अभी भी मैंने इतना कुछ बता दिया है कि कोर्स डजंट मैटर भैया, आपकी जो मेहनत है वो ज़्यादा मैटर करती है। कोर्स ठीक है, अगर हमें किसी भी कोर्स में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो हम एक बार सोचते हैं कि यार ले ना ले। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो, कि मैंने भी काफ़ी रिसर्च की थी तभी मैंने लिया है, ऐसे ही रैंडमली मैंने किसी का भी नहीं लिया। बट आज मैं स्पेशली आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेके आई हूँ कि किसका मटेरियल कैसा है। स्पेशली ये वीडियो एडुटैप और अनुज जिंदल सर के मटेरियल पे होने वाली है, क्योंकि एडुटैप के मैंने क्लासेस नहीं लिया है तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। और बेसिकली सो ये वीडियो फेज टू के मटेरियल पे होने वाली है, क्योंकि मैंने अनुज जिंदल सर का कोर्स का मटेरियल यूज किया हुआ है और मैंने एडुटैप का मटेरियल देखा था और उसको देखा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। सो फेज वन की प्रिपरेशन यानी बेसिकली QR की प्रिपरेशन के लिए भी मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज शेयर करूंगी, सो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। तो अभी चलते हैं एडुटैप एंड अनुज जिंदल सर के कोर्स के कंपेरिजन पे। सो सबसे पहले आता है हमारा कॉन्सेप्ट नोट्स। सो ये है हमारे एडुटैप के कॉन्सेप्ट नोट्स, और आप देख सकते हैं मैंने कम्युनिकेशन चैप्टर लिया हुआ है, सारी चीज़ें मैं कम्युनिकेशन की ही दिखाऊंगी आपको। इसमें जो टॉपिक्स है वो कुछ ज़्यादा ही इनडेप्थ में है, लाइक जो सिलेबस में होता है उसके आसपास के भी टॉपिक्स काफ़ी सारे उठाए गए हैं। सो 47 पेजेस के इनके कॉन्सेप्ट नोट्स हैं ये, और जो कि अगर कोई किसी के पास टाइम है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो कर सकता है इजीली। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ सिलेक्टिवली पढ़ें और जो जो चीज़ें टॉपिक में है वो कवर करें। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अनुज जिंदल सर के कॉन्सेप्ट नोट्स। सो अनुज जिंदल सर के कॉन्सेप्ट नोट्स जो हैं ये 20 पेजेस के ही हैं, सिलेबस के बाहर के टॉपिक्स हैं वो नहीं उठाए गए हैं, जितना सिलेबस में है सिर्फ उन्हीं को कवर किया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इनडेप्थ में पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप एडुटैप के कॉन्सेप्ट नोट्स के साथ जा सकते हैं। अगर मैं एडुटैप के समरी शीट्स की बात करूं तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी पिक्चर्स के साथ इन्होंने इसमें डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको रिविजन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रिविजन के लिए आप ईजिली इनकी समरी शीट से कर सकते हैं। सर मैं अनुज जिंदल सर के शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, थोड़े कलरफुल से, और पिक्चर्स वगैरह इसमें भी यूज़ की जाती हैं, आपको रिटेन करने में इजी रहेगा, तो यहाँ से रिवीजन करना भी इजी होता है। तो ये अनुज जिंदल सर के शॉर्ट नोट्स हैं। अब मैं आती हूँ एक जो चीज़ जो कि अनुज जिंदल सर के कोर्स में नहीं होती और एडुटैप प्रोवाइड कराता है, वो है माइंड मैप्स। और ये चीज़ मेरे को इनकी बड़ी पसंद आती है, माइंड मैप्स। लिटरली आपको 2-3 पेजेस में ही पूरे चैप्टर का क्रक्स मिल जाता है। अगर आप एकदम लास्ट मिनट आपको रिवीजन करनी है तो आप इसके साथ जा सकते हैं एनी टाइम। आप देखें, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें देखो कम्युनिकेशन का प्रोसेस, फंक्शंस, नेटवर्क, एक पेजेस में ही आपको सारा एकदम से रिकैप हो जाएगा कि क्या क्या था, क्या क्या पढ़ा था हमने। आपको एकदम 3-4 पेजेस में पूरे चैप्टर की जिस्ट मिल जाता है और आपका रिवीजन करने में बहुत इजी रहता है। तो ये मेरे को बड़ा पसंद आया एडुटैप का। और लास्ट में आपको थोड़ा फोल्डर मटेरियल भी देते हैं, ये जैसे बीच बीच में उसमें एग्जांपल्स लिखने होते हैं मैनेजमेंट में, तो लास्ट में ये एग्जाम्पल्स भी डाल देते हैं कि अगर आप इस चैप्टर में कोई एग्जाम्पल डालना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो एडुटैप के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, 10 मार्कर भी ये प्रोवाइड कराते हैं, 6 क्वेश्चन 10 मार्कर है और 15 मार्कर जो हमारे पास है वो 2 क्वेश्चन है। सो इनफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये लास्ट में ये भी बताते हैं आपको कि अगर कोई प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो वो क्या आया है, उसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस ईयर में आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो इन्होंने स्किप किया हुआ है, सो इसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल देते हैं।
विच इज़ वेरी गुड कि आपको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के भी एंड प्रैक्टिस करने के लिए भी। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं अनुजिंदल सर के कोर्स में बात करूँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इसमें भी आपको इनफ मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। बट यहाँ पे जो मेन इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये है कि ये इसमें आपके पास्ट ईयर्स पेपर नहीं होते, इसमें सिर्फ मॉडल क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। सो इसमें वो चीज़ मिसिंग है पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस की। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि पीडब्ल्यू लेके आ रहा है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक नया बैच जो एम बैच होने वाला है, और ये बैच आपका लाइव बैच रहेगा। मंडे टू सैटरडे इसकी क्लासेस रहेंगी 4 PM to 8 PM, और ये सारे बैंकिंग एग्जाम्स यानी SBI, IBPS, RRB, LIC जितने भी मेन मेजर बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं सब में ये आपको हेल्प करने वाला है। एक्सपीरियंस फैकल्टीज इसमें पढ़ाएंगी और डेली आपको PDF मिलेंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, प्लस जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी भी आपको PDFs मिलेंगी। वन ऑन वन डाउट सेशंस होंगे हर चैप्टर के। प्लस अगर मैं आपको इस बैच का प्राइस बताऊं यानी इस बैच की चार्जेस जो होंगे वो होंगे सिर्फ 699, यानी सिर्फ 699 में आपको इतने सारे आपके मेजर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, जाके जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए। सो एडू टैब के जो PYQs होते हैं, आप PYQs इसमें देखेंगे तो RBI ग्रेड बी और सभी जिस भी एग्ज़ाम में आया होता है वो आगे मेंशन कर देते हैं, साथ में उनका ईयर मेंशन करते हैं। ये स्पेसिफिकली इसी चैप्टर की बता रही हूँ मैं। और उसके बाद लास्ट में आपको इनकी जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मिल जाते हैं, पीछे ये पूरे एक्सप्लेन सॉल्यूशन डाले हुए हैं। सो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी समझने में, तो एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी हुई है। एट द सेम टाइम अगर मैं अनुज जिंदल सर के कोर्स में PYQs की बात करूँ तो उसमें आपको PYQs मिलते हैं जो ई बुक्स वो प्रोवाइड कराते हैं। उसमें ई बुक्स में आपको मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ, बट द मेन थिंग इज कि इसमें आपको जैसे एग्जाम में आते हैं जैसे कि ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें ऑप्शंस नहीं प्रोवाइडेड हैं इन PYQs में, सिर्फ क्वेश्चंस डाले हुए हैं और फिर आंसर्स वगैरह डाले हुए हैं। तो जितना होना चाहिए PYQs मेरे को इतने यहाँ पे अच्छे से नहीं लगे। एट द सेम टाइम एडुटैब के कोर्स में आपको PYQs वेल एक्सप्लेन मिले हुए हैं और चैप्टर वाइज मिले हुए हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ईयर मेंशन किया हुआ है और सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है। आपको ढूंढना पड़ेगा जाके कि कौन से चैप्टर से आया हुआ है कौन सा क्वेश्चन। सो ये थोड़ा सा फैक्टर मेरे को लगा, बट द मेन थिंग इज कि एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है वो ये है कि जो लोग प्रेफर करते हैं हार्ड कॉपी, सो आपको इन सारी बुक्स की हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। ये हमें ई बुक्स में प्रोवाइडेड किया गया है फोल्डर में, बट हमें इनकी हार्ड कॉपी भी मिलती है। सो क्वांट ये तो फेज़ वन के लिए हमें एक बुक मिलती है, प्लस हमें फेज़ टू के लिए जो MCQ प्रैक्टिस करने होते हैं उसके लिए भी यहाँ पे बुक देते हैं। अगर आपको इन बुक्स के बारे में देखना है तो मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन से बुक ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं इसमें भी बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो यहाँ पे देखो जो चैप्टर वाइज इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं प्रैक्टिस के लिए MCQs, विच इज़ वेरी गुड, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी डाली हुई है। सो आपको हार्ड कॉपी जो लोग प्रेफर करते हैं उनके लिए ये एक बेटर ऑप्शन हो जाता है कि भैया हार्ड कॉपी में मिल रहा है हमें सारा, तो ये फेज़ टू के लिए बुक मिल जाएगी आपको। उसके बाद ये RBI वेबसाइट के लिए, यानी इसमें RBI के FAQs होते हैं आपके। सो ये RBI के FAQs के लिए आपको अनुज जिंदल सर के कोर्स में मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे, अगर मैं फाइनेंस की सिलेबस की बात करूँ तो उसके लिए। देन इंटरव्यू गाइड ये हमें नहीं मिलती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये हमें जब भी मिलेगी इंटरव्यू गाइड जब हम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, यानी फेज़ वन एंड फेज़ टू क्रैक करने के बाद हमें ये मिलेगी। और अगर आपने सेबी एंड नाबार्ड का कोर्स परचेज किया है तो ही आपको ये दोनों बुक्स मिलेंगी, वरना आपको सिर्फ RBI से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी। सो ये हार्ड कॉपी में रहता है। दोनों कोर्सेज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स में इन्वेस्ट करना है।
सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.